Assalamu alaikum everyone. We were discussing the problems of Pakistan. We have discussed various topics regarding problems of Pakistan. जिसमें हमने अलग अलग problems discuss किए थे. Water crisis हो गया, ये सारे issues देखे हमने, बलूचिस्तान issue देखा, इसके अलावा agriculture देखा, industrial sector देखा, सब कुछ देखा. अब आज हमारा जो topic है and that is ओवर पॉपुलेशन. अच्छा, ओवर पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं स्कॉलर्स और सारे लोग. जैसे कि अब एक रिपोर्ट हम देखेंगे, खैर वो आगे देखेंगे कि 8 बिलियन पीपल पूरी दुनिया के अंदर हो गए हैं, 8 बिलियन से क्रॉस कर गई आबादी. ठीक है, अब पाकिस्तान के हवाले से किस तरीके से एक इशू है और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये देखेंगे आज हम. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो देखें ओवर पॉपुलेशन होती क्या है. ओवर पॉपुलेशन इज अ सिचुएशन व्हेन द नीड ऑफ द पॉपुलेशन आर मोर देन इट्स इनकम एंड रिसोर्सेज ड्यू टू इट्स इन लार्ज नंबर. ठीक है, ओवर पॉपुलेशन इज अ सिचुएशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी क्या करती है, नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन आर मोर देन, पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं उनके इनकम और रिसोर्सेज से. ठीक है, ये तो सिंपल ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन है जो हमें समझ आ गई. अब ओवर पॉपुलेशन के क्या कॉजेज हैं, क्या उसकी वजूहत हैं, वो देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं लैक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. अगर वुमेन को एम्पावर किया जाएगा तो उससे क्या होगा, लेट बर्थ होंगी, चाइल्ड बर्थ लेट होंगी, चाइल्ड बर्थ लेट होंगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल होगी. ठीक है, तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है तो राइट्स ऑफ वुमेन भी इंश्योर नहीं होते, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से बर्ड्स सक्सेसिव बर्ड्स होने लग जाती हैं. वो अगर घरों में रहेंगे तो ऑब्वियसली बर्ड्स ज़्यादा ही होंगी ना, वहाँ एम्पावर नहीं होंगी तो उसकी वजह से पॉपुलेशन में कमी नहीं आएगी. दूसरा रीज़न है पुअर रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. पुअर रिस्पॉन्स फ्रॉम गवर्नमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसमें दो रीजंस को इंश्योर किया कि लेस स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट. एक तो गवर्नमेंट लेस स्पेंड करती है इन चीज़ों के ऊपर क्योंकि रिलीजियस वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ों की वजह से. दूसरा ये कि वुमेन को क्या है, एक मतलब वुमेन के पास राइट्स नहीं है, फ्रीडम नहीं है प्रॉपर तरीके से कि वो अपने तरीके से अपनी लाइफ को गुजार सके. तो ये दो रीजंस हैं कि किस तरीके से वुमेन गवर्नमेंट इंश्योर नहीं करवा रही है, एक तो स्पेंडिंग नहीं कर रही और दूसरा उनको राइट्स की गारंटी नहीं दे रही. तीसरे नंबर पे जो इशू है दैट इज़ इम्बैलेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट. अब इम्बैलेंस है डेथ रेट में, कि बर्थ और डेथ रेट में कि डेथ तो कम हो रही है, ऑब्वियसली अमवात कम हो रही है, लेकिन बर्थ ज़्यादा हो रही है. सिंपल जो आपकी प्रीवियस सोसाइटीज़ थी, हंटिंग गैदरिंग और एग्रीकल्चर सोसाइटी, उसके अंदर एक तो मेडिसिन का वो नहीं था और ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो डेथ्स ज़्यादा ही होती थी, बर्थ्स कम होती थी. ठीक है, सिंपल एक तो ये रीज़न हो गया. फिर आगे इलिटरेसी. इलिटरेसी की वजह से भी ऑब्वियसली बर्थ कंट्रोल पे फोकस नहीं करते, नो मॉडर्न पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग, इस सारे को कंसेप्ट नहीं होता, तो पॉपुलेशन इंक्रीज ही होती है. फिर आ जाता है बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़. बेटर ऑब्वियसली बात है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी तो जिस वजह से आपका फूड सप्लाई इंक्रीज होगा, फूड सप्लाई होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया तो लोगों की डेथ्स कम होंगी, स्कार्सिटी, माल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें कम होने लग जाएंगी तो पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी, ऑब्वियसली लोग मरेंगे भी नहीं. सिंपल फिर आ जाता है रिलीजियस बिलीफ्स. रिलीजियस बिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान में इस चीज़ को मतलब एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए. हालांकि ईरान की हमारे पास केस स्टडी है, बांग्लादेश की केस स्टडी है, बांग्लादेश है जिन्होंने कंट्रोल किया है, और सारे मुस्लिम ममालिक हैं, मलेशिया हो गया, तो ये सारे मुस्लिम भी ममालिक है ना, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम थोड़ी है. तो ये वाली एक पॉइंट है इसके अंदर के ये सारा रिस्क हम जो बात करते हैं कि मतलब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे उससे कोई इशू नहीं होगा, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना इसकी वजह से, रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से एक तो पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल नहीं हो रही. फिर आ जाता है मोर हैंड्स टू ओवरकम पॉवर्टी. अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि मतलब फैमिलीज ये समझती हैं तो पॉवर्टी होती है तो कहेंगे ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, चाइल्ड लेबर होगा, मतलब जाके लेबर करेंगे, इकोनॉमिक एसेट समझ के उन्हें मतलब बच्चे पैदा होते हैं जिस वजह से ओवर पॉपुलेशन क्रिएट होती है. फिर आ जाता है इमिग्रेशन एंड अफगान रेफ्यूजीज. अब जो इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स आ जाते हैं इधर से, अफगान रेफ्यूजीज आ जाते हैं, उसकी वजह से भी पॉपुलेशन बूम आता है. फिर आता है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग नहीं होती तो उसकी वजह से भी अर्ली मैरिजेज और इलिटरेसी की वजह से फैमिली प्लानिंग नहीं होती, वही जैसे हम बात कर रहे हैं कि उससे फिर पॉपुलेशन बढ़ती है. और डिज़ायर फॉर मेल चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब मेल चाइल्ड के डिज़ायर में हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर चाइल्ड बर्थ ज़्यादा होने लग जाती हैं. फिर आ जाती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट. तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी एडवांस होता जा रहा है जिसकी वजह से डेथ्स और ये सारी चीज़ें कम हो रही हैं जो कि पहले ज़्यादा हुआ करती थी. हम चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं पहले वाले से. तो ये बहुत सारे हमने रीजंस देखे, कुछ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, कुछ जनरल कॉन्टेक्स्ट में. अब ओवर पॉपुलेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं. सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन का जो इफेक्ट होता है वो ये होता है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे ऑब्वियसली स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उन सारों के ऊपर अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होने लग जाएंगे और स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, डिपेंडेंस आ जाएगी और इश्यूज क्रिएट होने लग जाएंगे.
दूसरा है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि हमने बताया है कि 43% अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड स्कार्सिटी है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो फूड स्कार्सिटी बढ़ती जाएगी, और फूड हंगर इंडेक्स जो हमारा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हंगर इंडेक्स जो है वो 92 आउट ऑफ 116 है, ठीक है, 92 आउट 116 इन 2021, ठीक है, और ये एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी वजह से। फिर आपका तीसरा आ जाता है डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, अब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस अर्थ पर जो है कि इवेंट्स ज़्यादा होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स, जितने भी लोग ज़्यादा होंगे उतना, क्या आपको पता है शहरों में क्यों ज़्यादा वॉर्स होती है, सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं और रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं, सही है। अब फिर आ जाता है आपका राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उतनी जॉब्स तो क्रिएट हो नहीं रही, पाकिस्तान के अंदर भी यही मसला है कि बहुत ज़्यादा जनरेशन हमारी यूथ 60% जो कि हमने बताया कि 60% यूथ है वो अब ग्रेजुएट होती है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए मार्केट में आ रही है, लेकिन इतनी जॉब्स ही नहीं है, और क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक था 4.3% इन 2020 से 2022 के अंदर, 2022 के अंदर 4.3% था अनएम्प्लॉयमेंट रेशो। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग आ गए कि लोग ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, लिविंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होंगे वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे। फिर आ जाता है लो सेविंग एंड लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स कम होने लग जाएंगी क्योंकि पीपल जो है अनएम्प्लॉयड होंगे, पॉवर्टी रेट बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होने लग जाएगा। फिर आ जाता है सोशल इफेक्ट्स क्या होंगे, सोशल इवेल्स बढ़ने लग जाएंगे, क्राइम बढ़ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, मुल्क हालात खराब होने की वजह से पाकिस्तान कराची के अंदर क्राइम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, स्नैचिंग बढ़ती जा रही है, लॉलेसनेस बढ़ रही है, करप्शन हो रही है, और सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी, हैव और हैव नॉट्स में कुछ अमीर हो जाएंगे, कुछ बहुत गरीब हो जाएंगे, तो उनके दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट, सोशल इशूज़ क्रिएट होने लग जाएंगे। इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरन एड, जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान ओवर डिपेंडेंस, ओवर पॉपुलेशन की वजह से डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। फिर ब्रीडिंग डाइकॉटमी बिटवीन क्लासेस, जो कि मैंने बताया कि क्लासेस के दरमियान डिवीजन क्रिएट हो जाएगा। फिर आ जाता है परपिचुएटिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, एक विशेष साइकिल के अंदर फंस जाएंगे जो कि पॉवर्टी का साइकिल होगा। फिर अब देखते हैं इसको कंट्रोल कैसे करना है, उसके बाद एक दो फैक्ट्स फिगर्स देख लेंगे, बस इतना ही है, सिंपल टॉपिक है बिल्कुल, इसको मतलब चीज़ें याद कर लें, फिगर्स याद कर लें, बस सिंपल है, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी का रेट याद कर लें, पॉपुलेशन याद कर लें, सेंसस याद कर लें, अर्बनाइजेशन देख लें, और मतलब बहुत आसान टॉपिक है सिंपल, ठीक है। कंट्रोलिंग आ जाता है, कंट्रोल कैसे करेंगे आप ओवर पॉपुलेशन को, सबसे पहले तो आगे एजुकेट दी मासेस, मासेस को एजुकेट करें कि भाई फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल मतलब एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट होगी, मैरिज सस्टेनेबल रहेंगी और डेथ बर्थ्स कम की जाएंगी, प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग का मैकेनिज्म शुरू होगा। फिर आ जाता है फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि बर्थ कंट्रोल कैसे करना है, अबॉर्शन हो गया, सेफ सेक्स की जो टेक्निक्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करें आप इसके अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग का एस्पेक्ट है। फिर आ जाता है रोल ऑफ रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स को चाहिए एक रोल प्ले करें और एक मैसेज को कन्वे करें कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ इंपॉर्टेंट एज कंट्रीज अदर मुस्लिम कंट्रीज आर परसुइंग दिस कंट्रोलिंग पॉपुलेशन पॉलिसीज, जिसमें ईरान मैंने बताया, बांग्लादेश आ जाता है, सारे कंट्रीज इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर आ जाता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि एक तो कंपेन्स चलाए इसके ऊपर, ठीक है, पॉलिसीज दे, टैक्स या एग्जेम्पशन दे, वो जो वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे कि चाइना के अंदर आई, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हमें भी पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा, वन चाइल्ड पॉलिसी का आपको पता होगा चाइना के अंदर, तो यहाँ पे इसको चीज़ देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वन चाइल्ड पॉलिसी। फिर इंसेंटिव दे सकते हैं उनको, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। रोल ऑफ मीडिया भी बहुत ज़रूरी है, रोल ऑफ मीडिया क्या है कि अगर पॉपुलेशन, तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया, मीडिया टीवी के ऊपर सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो रोल ऑफ मीडिया एंकर्स को चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करें, पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर बात की जाए। फिर आ जाता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द चाइल्ड मैरिजेस, अब चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं, जैसे कि कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि 18 से ऊपर होना चाहिए बच्चा, लड़का लड़की की एज, ठीक है, लड़के की एज 18, शायद लड़की की 16 है, अभी भी पंजाब में और सिंध वालों ने 18 कर दिया हाई कोर्ट ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फिर आ जाता है एम्पावर वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट होगी, तो जैसे मैंने पहले बताया वुमेन एम्पावर होगी तो डेथ मतलब चाइल्ड कंट्रोल होंगे, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट का रेशियो सिंपल आपको पता है कि हमारी वुमेन 22% वर्क फोर्स है, 22% वर्क फोर्स है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप जो भी रिपोर्ट है हमारी, 22% वर्क फोर्स है पाकिस्तान के अंदर, और जो उनकी GDP कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 19% है, ठीक है। तो ये बहुत, ये भी फिगर्स हैं, और ये फिगर्स जो हैं वर्ल्ड जो वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट है जिसके अंदर अभी हमारा रैंक 144 आया आउट ऑफ 145 2022 के अंदर,
सही है, टू मेक इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सेक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजीज करने की जरूरत है हमें, और टू रिस्ट्रेंट चाइल्ड लेबर को हम रिस्ट्रेंट करें, जो मैंने पहले बताया कि इकोनॉमिक एसेट्स के तौर पर यूज ना किया जाए। यहाँ पे आपने फैक्ट फिगर्स जो याद रखना, सबसे पहले तो मैंने जो आपको रिपोर्ट बताई है, INED इंटरनेशनल फोरम है, उसने एक रिपोर्ट दिया है कि भाई वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर उसने काफ़ी सारे रीजंस और काफ़ी सारी ओवरऑल हिस्ट्री बताई है कि फर्स्ट ह्यूमन कब आया और कब वो वहाँ से गया, मतलब उन्होंने ओवरऑल इसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स देना दिए हैं इसके ऊपर। फिर आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, सर्वे सर्वे नहीं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, आपका सेंसस सेंसस 2017 का आपको आना चाहिए कि उस पर कितनी पॉपुलेशन थी। सेंसस 2017 के हिसाब से जो आपकी मुल्क की पॉपुलेशन थी ना, वो थी 207.8 मिलियन, ठीक है, जिसमें से मेल्स थे आपके 106, अब ये याद रख लेंगे क्योंकि अभी तक दूसरा तो सेंसस हुआ नहीं है, ठीक है, मेल्स, और आपके 101.3 जो मिलियन है ना वो फीमेल्स थी, और 10K क्या थे, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। अब आपको ये इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। और हमारी जो कंट्री आता है वो कौन सा आता है, फिफ्थ पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा, वर्ल्ड फिफ्थ पॉपुलेटेड कंट्री हैं हम, फिफ्थ रैंक पे आते हैं पॉपुलेशन में, ठीक है, आपने ये याद रखना है। तीन स्टैटिस्टिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट है ना, 2020 की 21 की जो रिपोर्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो बताया कि 210 मिलियन पीपल रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, ये वाली फिगर्स आप याद रख लें, 210 मिलियन पीपल है, ठीक है। और इसके अलावा जो सेंसिस के अंदर हमारा ग्रोथ रेशियो था वो 2.4% ग्रोथ रेट था, ठीक है, 2.4% ग्रोथ रेट, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 2.4% ग्रोथ रेट किसी भी मुल्क का नहीं है, इंडिया वगैरह के अलावा मेरे ख्याल में, बाकी तो बहुत कम रेट चल रहे हैं मुस्लिम ममालिक के अंदर, तो हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपको ये पता चल गया ओवरऑल सारी पॉपुलेशन सेंसस के, अच्छा पॉपुलेशन काउंसिल के हिसाब से ये सारे फिगर्स आपने याद रखने हैं, ठीक है, 1, 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, अब मैं 5वां बता रहा हूँ आपको, पॉपुलेशन काउंसिल के हिसाब से, ठीक है, पॉपुलेशन काउंसिल के हिसाब से 9 मिलियन प्रेगनेंसीज होती हैं, 9 मिलियन प्रेगनेंसीज होती हैं हर ईयर पर ईयर, ठीक है, 9 मिलियन प्रेगनेंसीज के अंदर जो होती है ना, हाफ जो होती हैं अनइंटेंशनल होती हैं, हाफ अनइंटेंशनल होती हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि मतलब हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस करना है। अब ये सारे स्टैटिस्टिक्स अगर आपने याद कर लिए, 4-5 ही, तो आपका आराम से एक अच्छा सवाल हो जाएगा। ये चार दो चार बातें जो मैंने ऊपर बताई हैं, तीनों चीज़ें याद कर लें, कॉजेज इफेक्ट्स और कंट्रोल कैसे करने है, सारी चीज़ें आप रट्टा मार लें, सिंपल हो जाएगा आपका, ओवर पॉपुलेशन का सवाल इसमें कुछ भी नहीं है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफिज़।